एक अगर आप एक मिनट का भी जो पार्ट है ना बहुत रेलेवेंट है पूरी फिल्म में, मैं सब बोलूंगी कि सबकी कहानी है ये। सजनी शिंदे का वायरल व्हिडिओ असं फिल्मचं नाव आहे, सो आय थिंक नावामध्येच बरंच काही सांगायचा प्रयत्न आहे। फिजिक्स टीचर आहे पुणे में, पुणे में एक बहुत ही स्वीट ॲम्बिशियस प्योर हार्टेड ड्रीमर टाइप की लड़की है जो जो बहुत कुछ चाहती है लाइफ में जीतना है, उनकी वीडियो वायरल। मैंने प्यार किया बरच वर्षापूर्वी त्याच्यानंतर हा कमिंग ऑफ द एज टुडेज एज वाला सिनेमा, तो एक्सपीरियंस कसा होता कारण तुम्ही आता खूप वर्षांनंतर असा एक करताय? एक तर सगळ्यांना मला परत परत सांगायला लागलं मला मॅडम नका बोलवू। सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडिओ हा सिनेमा सध्या आलाय आणि मोठ्या प्रमाणात चर्चा होतीये त्याची, मोठी स्टारकास्ट या सिनेमामध्ये आहे आणि आपण याच सिनेमाबद्दल आज चर्चा करणार आहोत। आपल्यासोबत चिन्मय मांडलेकर सर आहेत, सर एबीपी माझामध्ये स्वागत आहे, थँक्यू, नमस्कार। निम्रत कौरजी आहेत, राधिका मदन मॅम आहेत आणि भाग्यश्रीजी आहेत। सर्वात आधी प्रश्न तुम्हाला विचारतो, एक बेसिकली काय सांगता येईल, काय हा सिनेमा, प्रेक्षकांनी का पाहावा, काय वेगळं घेऊन आला या सिनेमामध्ये? सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडिओ असं फिल्मचं नाव आहे, सो आय थिंक नावामध्येच बरंच काही सांगायचा प्रयत्न आहे। सजनी शिंदे हू इज द सेंट्रल कॅरेक्टर ह्या फिल्मची, तिचा एक व्हिडिओमुळे तिच्या आजूबाजूचं म्हणजे तिचं घर परिवार आणि ती ज्या शाळेत नोकरी करते ती शाळा आणि एकूणच समाज ह्याच्यात काय उलथापालथ घडते, ह्याच्यामध्ये काय घडतं, ह्याच्याबद्दलचा हा सिनेमा आहे। आणि जरी तो एका सजनी शिंदेला सेंटरला ठेवून जरी ही गोष्ट सांगितली गेली असली तरी ही आपल्या सगळ्यांची गोष्ट आहे, म्हणजे कोणाचाही व्हिडिओ हल्ली कसाही कुठेही कधीही व्हायरल होऊ शकतो। देर इज नथिंग कॉल्ड एज प्रायव्हसी नावडेज लेफ्ट, म्हणजे आपण असं बघतो की अगदी एखाद्या अंतयात्रेत सुद्धा आपण जेव्हा गेलेलो असतो तेव्हा सुद्धा कोण कुठून काय कसं कधी आपल्याला शूट करतंय यू डोंट नो। आणि ते जे शूट करतंय ते ती जी काही 10 सेकंदाची क्लिप दिसते आपल्याला, 10-15 सेकंदाची, ती इतकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट असते बरेचदा की त्याच्या पुढे मागे काय झालं तेही माहीत नसतं आपल्याला, ते एडिट कट करून। हां, सो त्याच्या जोरावर तुम्हाला बघणारे सगळे लाखो लोक जज करत असतात। सो असं अनेक गोष्टींचं म्हणणं आहे ह्या सिनेमाचं, पण सिनेमाचा जो जॉनर आहे किंवा सिनेमाची जी ट्रीटमेंट आहे ती एखाद्या थ्रिलर फिल्म सारखी आहे, त्यामुळे अत्यंत इंटरेस्टिंग फिल्म आहे असं वाटतं मला। निम्रत जी, आपको ये सिनेमा करते वक्त मतलब क्या स्पेशली पसंद आया, क्योंकि अभी जैसे सर ने कहा कि प्राइवेसी हर एक की मतलब ब्रेक हो रही है, आपका इंटरनेट हो, टेक्नोलॉजी हो, सभी चीज़ें, तो यही सब चीज़ें सिनेमा में इस दिखेगी? कहानी बहुत मज़ेदार है एक्चुअली, तो वो मुझे सुनकर बहुत मज़ा आया था। एंड उसके बीच जो कैरेक्टर है, एक इन्वेस्टिगेटिव पीस है कि एक लड़की गायब हो जाती है और हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, क्यों गायब हुई है, कैसे हालत में है, ये वीडियो जो आया है ये गलती थी, डेलिब्रेट था, क्या था। सो एक यू नो शी इज अ सीनियर ऑफिसर पुलिस में और महिला सेल में काम करती है और उसको ये केस दे दिया जाता है और फिर उसको देखना है कि अब ये कहाँ गई, क्या हुआ है इसके साथ। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग नैरेटिव है और साथ में ही ना मतलब साइकोलॉजिकली आपको बहुत सारे सवाल जवाब, एक होता है ना कि एक एज एन ऑडियंस आप कुछ देखते हैं और फिर एक कॉन्वर्सेशन आपके दिमाग में चलती है उस पिक्चर के बारे में कि पिक्चर जो भी थी बट हाँ वो जो लार्जर मैसेज था वो ये था, तो वो आपको सोचने पे मजबूर करता है। सो जब मैंने वो कहानी सुनी भी सो एज अ पर्सन आई वाज लाइक कि कितना रेलेवेंट है। तो और आपका रोल इसमें बेसिकली क्या रहेगा, आप डिस्कस? अरे बेसिकली मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ बेसिकली और सजनी शिंदे गायब है और मुझे बढ़िया एक काम मिल गया, एक अलग रोल इनके साथ, हम लोग दोनों साथ में हैं केस में, हमारी शुरुआत में हमारी आपस में बनती नहीं है ज्यादा, फिर जब बनती है तो बढ़िया बनती है। तो आप बन रही है? अरे हमारी तो कब से बन रही है, हमारी तो पहले दिन से बन गई थी बहुत, हमें वो पता, हमारा एक आपस में ग्रीटिंग भी है तो हम लोग हाँ, सो वी हैड अ रियली गुड टाइम, बहुत मजा आया। ऐसा मजेदार सद्या सीन है। राधिका जी,
आप मराठी नहीं समझोगी शायद। मैं समझ तो जाऊंगी, हाँ। पर आप हिंदी में पूछ लो। हाँ, ठीक है। आप पे मतलब पूरी फिल्म जो है फोकस आप मेन कैरेक्टर में हो ऐसा दिख रहा है, तो आप आपके रोल के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बताओगी? जैसे जी मैं ये कहना चाहूंगी कि मेन कैरेक्टर मिस हो गए तो सबकी इक्वल कहानी है। मैं कहूंगी कि एक अगर आप एक मिनट का भी जो पार्ट है ना बहुत रेलेवेंट है पूरी फिल्म में, तो मैं सब बोलूंगी कि सबकी कहानी है ये। ये बस एक नाम है जो जो हमने आपको दे दिया है कि जैसे बहुत सारी नेहा होती है और बहुत सारी जिसमें आप खुद को देखते हैं, राइट? तो सजनी इज दैट नेम जिससे आप देखेंगे कि ये कहानी कि है क्या, कि सोसाइटी आपको परसीव कैसे करती है। तो उसमें बहुत मजा आया। मैं कहना चाहूंगी कि इसमें मेजरली जो मुझे फील हुआ था वो ये हुआ था कि मैं खुद मैंने एक सवाल खुद से पूछा था कि क्या मैं खुद को अपनी नज़रों से देखती हूँ या जो लोग मुझे देखते हैं उन नज़रों से देखते हैं। ये एक सवाल मेरे मन में आया था एंड इसी के ऊपर ये कहानी है, जो ये वीडियो है। वायरल का मतलब ये है कि बहुत कमाल भी कर सकते हैं और उसको नेगेटिवली भी लिया जा सकता है। हाँ, मतलब लोग बहुत इजीली जज कर देंगे, जज कर सकते हैं, एंटरटेन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट जो आपके आसपास लोग रिएक्ट करते हैं ना उससे आप उससे पता लगता है कि आपकी क्या इमेज है। बिल्कुल। तो ये कहानी उस बारे में है। एंड तो स्कूल से रिलेटेड ये सब सिनेरियो है ऐसा कुछ? सजनी एक फिजिक्स टीचर है पुणे में, पुणे में, एक बहुत ही स्वीट एम्बिशियस प्योर हार्टेड ड्रीमर टाइप की लड़की है जो जो बहुत कुछ चाहती है लाइफ में जीतना। उनकी वीडियो वायरल होती है। ओके तो वीडियो वायरल होने के बाद वो सब आगे सीन चल, बाकी आप ट्रेलर देख लिए। अगर मैं बैठेंगे थोड़ी देर तो पिक्चर में बता देंगे। मी भाग्यश्री जी तुम्हाला मराठीतूनच प्रश्न विचारेल, काय तुमचा या सिनेमाबद्दलचा अनुभव आहे आणि या सगळ्या स्टारकास्ट सोबत काम करून काय नेमका पूर्ण तुमचा अनुभव होता? जसं राधिकाने सांगितलं की या फिल्म मध्ये दर एक जो किरदार केला आहे सगळे कॅरेक्टर्स फारच स्ट्रॉंग, आणखीन वेल एज्ड कॅरेक्टर्स आहेत। निखिल ॲज अ डिरेक्टरनी फारच सुरेख काम केलं आहे आणि एक हे जे कास्टिंग कूप म्हटलं तर इट इज बिकम लाईक दॅट। नावाजलेले थिएटर ॲक्टर्स पण आहेत, मराठी सिनेमाचे फार मोठे मोठे ॲक्टर्स आहेत आमच्याबरोबर, निम्रत, राधिका। सो माझ्यासाठी एक सुरेख एक्सपीरियन्स झाला। मैंने पीआर किया बरेच वर्षापूर्वी त्याच्यानंतर हा कमिंग ऑफ द एज, टुडेज एज वाला सिनेमा। तो एक्सपीरियन्स कसा होता, कारण तुम्ही आता खूप वर्षांनंतर असा एक करताय? एक तर सगळ्यांना मला परत परत सांगायला लागलं मला मॅडम नका बोलवू। तर पण फार चांगलं वाटलं कारण टेकिंग वेगळी आहे, नरेटिव्ह वेगळं आहे, जसं शूटिंग होतं ते वेगळं आहे, व्हेरी डिफरंट फ्रॉम मैंने प्यार किया। पण सर्वात चांगलं मला हे वाटलं की बरेच फिल्म्स आपण पाहतो जे यूपी, लखनऊ, हिमाचल, पंजाब ह्या बॅकग्राऊंडवरती असतात, आपल्या पुण्यातली ही स्टोरी आहे, त्याच्यामुळे एक स्पेशल कनेक्शनसुद्धा वाटलं। आणखीन आय एम शुअर जे महाराष्ट्राचे ऑडियन्स आहे बिकॉज ऑफ दिस बॅकग्राऊंड, म्हणजे अगदीच पुणेकर जे म्हणतात जवळपास प्रत्येकाचा पुण्याशी संबंध येतोच कधी ना, अगदी तेच, तर त्यांना पाहायला फारच मजा वाटेल। चिन्मयदादा, जसं आता तू आपण स्कूलशी रिलेटेड सगळा सिनेरियो आहे, तुमच्या शाळेतल्या काय आठवणी तुम्हाला काही रिलिव्हंट वाटल्या हा सिनेमा करताना, तसा काही सीन आला तिकडे? मी आहे ना बॉय स्कूलमध्ये शिकलोय, ऑल बॉय स्कूलमध्ये शिकलोय, सो ऑल बॉय स्कूलमध्ये टीचर आणि फेवरेट टीचर्स जे असतात ना त्या मुलांच्या वेगवेगळ्या कारणाने वेगवेगळ्या होत असतात वेगवेगळ्या वयात। सो राधिका इज प्लेइंग फिजिक्स टीचर, सो आय रिमेंबर वी हॅड अ फिजिक्स टीचर मिशेल मॅम म्हणून, आणि बिकॉज इट वॉज अ कॉन्व्हेंट सो मोस्ट ऑफ द टीचर्स वर यु नो व्हेरी यंग गर्ल्स, आय कॅन कॉल देम गर्ल्स नाव बिकॉज
आता असं वाटतं की देवर व्हेरी यंग गर्ल ज्या शिकवायच्या. आणि आय रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर टीचर बिकॉज शी वॉज सो काइंड हार्टेड अँड शी वॉज सो गुड ॲट इट. तर मला जेव्हा मी सजनी शिंदे आणि हे सगळं वाचलं तर मला इमेज कॉन्स्टंटली आमच्या त्या मॅडमची होती. आफ्टर स्कूल मी त्यांना भेटलो पण नाही. नाव शी मस्ट बी अन ओल्ड लेडी. पण अशा खूप आठवणी असतात. आणि आपण तेव्हा आमच्या लहानपणी तर सोशल मीडिया नव्हता बट वी वर स्टील क्विक टू जज पीपल यू नो. आणि वी वर स्टील की अरे टीचर का ऐसा ही होना चाहिए, टीचर बोले तो वो वैसा ही होना चाहिए. सो त्या चौकट बनवली. हां, तर त्यामुळे इफ यू सी युअर टीचर इवन ईटिंग मुंगफली ऑन द स्ट्रीट यू से अरे यार वो सर मुंगफली क्यों खा रहे हैं. इट हैपेंस. ऐसा भी करते हैं. हां, सो वेन यू से टीचर तो ब्लॅकबोर्डच्या समोर डस्टर हातात घेऊन तो तसाच दिसतो तुम्हाला. सो दॅट सगळे क्लिशेज तुटल्यावर काय होतं हे ऍक्च्युली ह्या फिल्म मध्ये तुम्हाला बघायला मिळू शकेल. आप कभी सोचा था स्कूल में ऐसा रोल करोगे आगे चल के कुछ टीचर का, तो कुछ यादें आपकी पुरानी स्कूल में से? यार मैं तो सब कुछ बनना चाहती हूँ. मैंने अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा कि नहीं मैं ये नहीं बनूंगी. तो आप मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे बोलूंगी हाँ मैंने सोचा था. स्कूल की आई थिंक उस टाइम पे सोशल मीडिया आया नहीं था या आ ही रहा था. मोबाइल भी नहीं मिलते थे, एंड एंड में जाके मिले थे. तो आई फील रियली लकी कि जो लाइफ जी ली है ना हमारी जनरेशन ने एटलीस्ट विदाउट मोबाइल, विदाउट मोबाइल, विदाउट सोशल मीडिया. हमें अकेले खुश रहना आता है. हम छोड़ के जा सकते हैं. मेरा बचपन है एक जो मैं बहुत ट्रेजर करती हूँ बिना फोन के, जिसमें हम एक्चुअली घंटी बजा के भागना या ये कुछ भी करते थे, अपने नए इमेजिनेशन से खेलते थे. तो वो मेमोरीज जो है वो स्कूल की है मेरी. बिल्कुल. तो वो स्पेशल है मेरे लिए बहुत ज़्यादा. निमरत जी, फिर से मूवी पे आते हैं कि आपने जैसे कहा कि अभी किसी की वीडियो वायरल हो जाती है, कुछ हो जाता है, प्राइवेसी ब्रेक हो रही है. आप मतलब क्या लगता है कि यही सब चैलेंजेस आगे चल के बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्राइवेसी आज का सबसे बड़ा अगर हम सोचें तो चैलेंज है सबके सामने. तो उसके बारे में आपका मतलब क्या व्यू है और ये मूवी में वो कैसे पोर्ट्रेट किया गया है? बहुत सीरियस सवाल पूछा है. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू. तो मूवी का सब्जेक्ट ही मेरे लिए क्यों ऐसे इतने सीरियस क्वेश्चंस? नहीं, आपका मैंने देखा. आप इन्वेस्टिगेटर हैं. आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं. आप क्या हो? ओके चलो. क्या था? सो बेसिकली क्या, देखिए क्या है ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं. और हमारे भी जैसे सोसाइटी अब है, हर कहीं भी कुछ भी हो ना, रोड पे एक्सीडेंट हो, कोई कहीं गिर जाए, कुछ भी हो, सबसे पहले फोन निकल आते हैं. हाँ. सो ये बहुत ही वियर्ड एक अंडरटोन है जो बड़ी एक्सेप्टेड है अब आजकल हमारी सोसाइटी में, कि आप पहले इसके पहले देखने से कि किसी को पानी चाहिए, क्या चाहिए, सबसे पहले फ़ोन लेके लोग खड़े हो जाते हैं कि यार इसको अपलोड कर दो, यू नो. सो ये जो एक कल्चर है जो हम में से थोड़ी सी ना एक ह्यूमैनिटी कहीं से छिन रही है. आई थिंक यू नो हर चीज़ हम लोग देखना ही बस चाहते हैं. एक वॉयरिज्म है उसमें कई बार, वो एंटरटेन भी करता है. तो उस पर खुद को ही एक उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना है, यू नो. क्योंकि कोई तो आसपास देख नहीं रहा आपका. अपने प्राइवेट टाइम में अपने साथ जब हैं तो आप चार दीवारी में क्या देखना पसंद करते हैं, और यू नो कितना एडिक्टेड हैं आप सोशल मीडिया के साथ. सो वो एंड ऑल्सो वो कोविड में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कितना चढ़ के आया था कि लोग एडिक्टेड हो गए थे. बिल्कुल. और हर अनछन चीज से लेके अच्छी चीज से लेके, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट. और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जिसे कहा जाता है, हर कोई डॉक्टर बन गया था, है ना. डॉक्टर है, फिलोसोफर है, सब है. कमाल था, मतलब हर रोज नई फिलोसफीज आती थी और ये सब बड़ा. सो इट्स अ वेरी क्रेजी टाइम इन दैट सेंस, बट इट्स ऑल्सो मतलब उसको ज्यादा सीरियसली ना लिया जाए आई थिंक. क्योंकि मुझे पता है हंसी किस बात पे आती है कई बार, कि आप फोन पे देख रहे होते हैं कैसे आपको फोन नहीं देखना चाहिए. वो जो सारी जो इंस्पिरेशनल चीजें, स्क्रीन टाइम कम करो, डू दिस विद योर टाइम, 5 मिनट ये, फिर 10 मिनट ये. मैंने कहा ये भी तो मैं फोन पे ही देख रही हूँ. तो भाग्यश्री जी, अपन आता या मुलाखतीच्या शेवटकडे येऊ. काय सांगाल प्रेक्षकांना, काय अपील कराल का हा चित्रपट त्यांनी बघितला पाहिजे, सिनेमागृहापर्यंत त्यांनी आलं पाहिजे या चित्रपटासाठी?
सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडिओ. हे व्हायरल करायसाठी तुमची गरज आहे आम्हाला. तर तुमची गरज आम्हाला पडेल 27 ऑक्टोबरला, आणि त्याच्यानंतर दर दिवशी जोपर्यंत आमचा पिक्चर व्हायरल होत नाही तोपर्यंत आपली गरज आहे. म्हणून प्लीज 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 27 ऑक्टोबर थिएटरमध्ये जा, पहा आमची फिल्म. हिंदीमध्ये आहे पण पहा जरूर. ओके, सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडिओ. तर धन्यवाद सर्वांचे, तुम्ही माझ्यासाठी वेळ दिला. तर अशा पद्धतीनं हा चित्रपटाचा सगळा विषय आपण जाणून घेतलेला आहे. तुम्ही हा चित्रपट नक्की सिनेमागृहामध्ये जाऊन पहा. चित्रपट तुम्हाला कसा वाटला, त्याचे फीडबॅक, त्याचे रिप्लाय तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरती कळवा. आणि तुर्तास इथेच थांबूयात. पाहत राहा एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.